रहमतुल्लाहि व बरकातहू एग्ज़ाम में पास होने कामयाब होने की दुआ क्या है ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे हमारे साथी हमारे वो भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब इसके बारे में सवाल बार बार करते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपके सामने इसी के हवाले से कुछ बातें पेश करेंगे दुआ भी बताएंगे तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनकर समझ लीजिए सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि आप दुआ पढ़ने से पहले आप मेहनत जरूर करें जी हाँ मेहनत करेंगे तो हर चीज़ आपका साथ देगी और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर लक वाला मामला हो जाता है कि हो सकता है हो जाए हो सकता है ना हो जब मेहनत करेंगे तो फिर हर चीज़ें आपके साथ कामयाबी की दहलीज पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप पढ़ाई में दिल लगाएँ मेहनत करें ऐसा नहीं कि आप किताब छुए ही ना और कोई ऐसी दुआ पढ़ लें कि पास हो जाए तो फिर ये भाई बहुत करामत वाली चीज़ हो जाती है आप अपनी कोशिश भर जितनी है आप मेहनत करें और फिर उसके बाद में आप दुआओं का सहारा लें आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ने की चीज़ों का शेड्यूल बना लें पांच किताबें हैं आप पाँच घंटे निकाल लें कि एक घंटा इस किताब को इस घंटा इस किताब को इस घंटा इस किताब को जितनी भी किताबें हैं सब्जेक्ट हैं हर के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर निकाल लें उसके अलावा जब आप पढ़ें तो फिर मोबाइल साइड रख दें गर्ल्स हों या बॉयज़ हों सब के साथ ये मामला आज के ज़माने में कि मोबाइल हमसे नहीं छूट पाता है तो मोबाइल को साइड रखें और पढ़ें आपको मैं वजीफा दे देता हूँ आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने के साथ साथ इस वजीफे को करें तो इन इम्तिहान में अच्छे नंबर मिलेंगे कामयाबी मिलेगी जी हाँ आप सुबह में सौ मरतबा सुबह में सौ मरतबा ये दुआ पढ़ें रबी इन्नी मूब सुबह में सौ मरतबा और शाम में सौ मरतबा पढ़ें इसी तरह जब आप स्टडी करें कोई किताब पढ़ना चाहें तो हर किताब को पढ़ने से पहले जो है पाँच मरतबा सात मरतबा ग्यारह मरतबा कम से कम तीन मरतबा आपका जितना दिल कहे आप इस आयत को पढ़ लिया करिए कुरान की आयत है रब भी इन्नी मगलूब इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह मैं मगलूब हूँ तो मदद फरमा ठीक है तो इस दुआ को आप स्टडी करने से पहले पाँच सात ग्यारह तीन जितना भी दिल कहे आप पढ़ लें और फिर स्टडी करें पढ़ाई करें और सुबह शाम में सौ सौ मरतबा पढ़ने की आदत डाल लें तो इन जो कुछ आप पढ़ेंगे वो आपके जहन में महफूज रहेगा और आप एग्ज़ाम में उन सारी चीज़ों को लिख सकेंगे जो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं मेहनत करते हैं इन इस दुआ को पढ़ने के बाद आप याद करेंगे तो जो है वो चीज़ें याद भी होंगी और आपके जहन में महफूज़ रहेगी सी बात है जब जहन में बातें महफूज रहेंगी तो आप एग्ज़ाम में आसानी के साथ उन बातों को लिख सकते हैं तो ज़रूर इस पर अमल करें और अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें असल वरह के वर्का